बिलासपुर के पूर्व विधायक बंबई ठाकुर की कांग्रेस जन जागरण अभियान की रैली हमीरपुर में पहुंची और इस दौरान रैली में दर्जनों लोगों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं हमीरपुर पहुंचे बंबई ठाकुर ने सांसद अनुराग ठाकुर पर तीखे प्रहार किए और अपने जन जागरण अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने की बात कही। ठाकुर ने कहा कि बीजेपी सरकार की गुमराह करने की नीतियों से लोगों को अवगत करवाया जा रहा है। हमीरपुर गांधी चौक पर जन जागरण अभियान के सदस्यों ने कुछ देर रुककर बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए। कांग्रेस के जन जागरण अभियान का काफिला हमीरपुर से होता हुआ नदौन और ज्वालाजी चला गया। जन जागरण अभियान के तहत बीजेपी सरकार को जुमलेबाजों की सरकार और पीएम मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने सांसद अनुराग ठाकुर पर आरोप लगाते हुए कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर ने पिछले 15 सालों में संसदीय क्षेत्र में कोई काम नहीं करवाया है और रेलवे के नाम पर भी लोगों को छला है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में लोग अनुराग की शक्ल भी भूल गए हैं, इसीलिए जन जागरण अभियान के तहत बीजेपी के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। बंबर ठाकुर ने कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर ने नौकरियां देने के नाम पर ठगा है और चुनौती के तहत वो बताएं कि किसे रोजगार मुहैया करवाया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के झूठे और छलने की राजनीति के खिलाफ अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पूरे देश में मोदी सरकार ये वादे करके आई थी कि हम 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए खाते में आएगा और किसानों को राहत मिलेगी, हमीरपुर में रेलवे आएगी, बिलासपुर में रेलवे आएगी, जाहू में हवाई अड्डा बनेगा। इस प्रकार के बड़े बड़े वायदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए थे, मोदी सरकार ने किए थे, अनुराग जी ने किए थे। लेकिन 15 वर्ष बीत जाने के बाद, करीब 15 वर्ष हो गए अनुराग जी को सत्ता में आए हुए, हमारे बिलासपुर के, ऊना के, हमीरपुर के गाँव के बहुत से लोग अनुराग जी की शक्ल को पहचानना बंद कर दिया। वो कहते हैं कि हमें इतने वर्षों से अनुराग जी की शक्ल भूल गई है, इस 5 वर्ष में तो आए कहीं नहीं हो। तो ये मुद्दे हैं हमारे, जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। आज हम जन जन में एक जन जागरण अभियान हमने चलाया है, हम अलखज गा रहे हैं लोगों के बीच में कि ये जो सरकार झूठे वायदे लेकर के आई थी, जुमलेबाजी के नाम पर आई थी, जिसने एक भी बड़ा काम जो है धरती पे नहीं किया, उल्टे जो घोटाले थे वो किए, एक 524 करोड़ रुपए का जहाज 1624 करोड़ में खरीदा, इस प्रकार के बड़े बड़े ऐतिहासिक घोटाले इस सरकार ने किए हैं, उनको लेकर के हम जो है एक हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर में हमने अलखज गाया है ताकि लोग जागरूक हों और जुमलेबाजों के झांसे में ना आए। जो युवाओं को उन्होंने ठगा कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, एक भी नौकरी जो है अनुराग ठाकुर जी मेरे बिलासपुर में नहीं दे पाए। मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि उन्होंने एक भी किसी नौजवान को किसी क्षेत्र में, सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र में, उन्होंने नौकरी दी हो, ऐसा वो नहीं कर पाए। उल्टे ACC के अंदर, NTPC के अंदर बाहर के लोगों को रोजगार मिल रहा है, आउट ऑफ स्टेट के लोगों को रोजगार मिल रहा है, उनको भी वो रोजगार देने में नाकाम हुए हैं, उनके खिलाफ वो आवाज नहीं उठा पाए। ये मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम हमीरपुर में भी आ जाए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमीरपुर रेल आएगी, लेकिन हम तो पैदल आ रहे हैं, यहाँ पे कोई रेल नहीं है। ऐसे उन्होंने कहा था कि भानुपल्ली से बिलासपुर को रेल आएगी, वो रेल नहीं पहुंची। अभी कह रहे हैं कि सर्वे हो रहा है, ये सर्वे तो कोई 25-30 वर्ष से चला है। तो ये हमारा जो जन जागरण हमने अभियान चलाया है एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हैसियत से कि राहुल गांधी लाओ, मोदी भगाओ, भ्रष्टाचारियों को भगाओ, देश बचाओ, ये हमारा अभियान है। इस अभियान को लेकर के मैं पूरे बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, नदौन, ज्वालाजी और आज देहरा तक हम जो है इस यात्रा का देहरा में जाकर के इसका समापन करेंगे और उसके बाद फिर ये हमारी नैना देवी की तरफ को चलेगी। ये पूरी यात्रा तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे जब तक हम इस भ्रष्ट और नकम्मी सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकते और जो अनुराग ठाकुर जी ने जो दर्शन तक देने बंद कर दिए हैं लोगों में, उनको हम उखाड़ करके फेंकेंगे, तभी हम दम लेंगे। ये मैं अपने घोषणा नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो जनता चाहेगी और कांग्रेस पार्टी चाहेगी, कांग्रेस पार्टी हाईकमांड, राहुल गांधी जी चाहेंगे तो टिकट मिलेगा तो जरूर चुनाव लड़ेंगे और इनको उखाड़ फेंकेंगे। जितने भी उम्मीदवार है मैं सबसे सशक्त हूँ। जनता मेरे साथ। आपका अभियान कितने दिनों तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक हम अनुराग को हरा के बैठ नहीं जाते।
हमारा को हराएंगे, उसके बाद हम चयन किसान संसदीय क्षेत्र में क्या शेड्यूल है? संसदीय क्षेत्र में मेरा आज का शेड्यूल, मैंने कहा कि मैं बिलासपुर से चला हूँ, अभी आज दोपहर तक मेरी यात्रा हमीरपुर पहुंची है, इसके बाद हम नदौन में जाएंगे, नदौन में सभा करेंगे, नदौन के बाद हम ज्वाला जी से होते हुए देहरा में जा करके हम यात्रा को समापन करेंगे, उसके बाद फिर अगला चरण हम घोषित करेंगे, फिर उसके बाद हम नैना देवी तरफ को निकलेंगे, ऊना की तरफ को निकलेंगे, जगह जगह हर चुनाव क्षेत्र के हर चौक चौक पे गली गली पे हम लोगों को जागरूक करेंगे। एक लेटर बम भी निकला था। मैंने अपना पत्र जनता को के चरणों में समर्पित किया है, यदि मुझे मौका मिलता है तो मैं पूरे देश में लोकसभा में जाकर के हमीरपुर के मुद्दे उठाऊंगा, बिलासपुर के मुद्दे उठाऊंगा और ऊना के मुद्दे उठाऊंगा, जिन मुद्दों को लेकर के हमें महंगाई जैसे हुई, तेल के रेट जैसे बढ़े, इनको लेकर के अनुराग जी चुप बैठे रहे, हम ऐसी बातों को लेकर के वहाँ पे संसद में हंगामा करेंगे, वहाँ पे धरने देंगे, वहाँ पे आपने अभी आवाज़ को उठाएंगे यदि कोई नहीं सुनेगा, इस मुद्दे को लेकर के हम आगे बढ़े। सर बारी उसको तो मैंने राय हुआ है, बारी जो भी है बीजेपी का पार्टी लेती है तो नहीं लेगी नहीं, ऐसा सोचने की जरूरत ही नहीं है, लेगी नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने पूरे देश में सर्वे कराए हैं और यहाँ भी सर्वे चल रहा है, तो सर्वे के आधार पे जो भी कोई उम्मीदवार है सशक्त उम्मीदवार निकल के आएगा, हालांकि मैं अपने आप को सशक्त मानता हूँ, पर मेरे से भी यदि कोई ज्यादा मजबूत होगा तो उसके साथ चलूंगा, और दूसरी पार्टी से तो सवाल ही पैदा नहीं आएगा ही नहीं। पार्टी तो बहुत है लाइन में, कोई भी हो सकता है, उनका राइट है वो हो सकता है, लेकिन जनता साथ में प्रधान लोग साथ में होने चाहिए, आम जनता साथ में होनी चाहिए, जिसकी जिसकी पहुंच तक कोई नहीं जाता, वो जनता साथ में हो तो चुनाव जीते भी जाते हैं और लड़ाई लड़ी भी जाती है, और लड़ाई लड़ने का मतलब मैं अपने स्वागत कराने में विश्वास नहीं करता, हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता ने स्वागत किया, वहाँ पे पंचायत के प्रतिनिधि थे, बीडीसी के मेंबर थे, जिला परिषद के मेंबर थे आए हुए, उन्होंने स्वागत किया, हालांकि मैंने उनको किसी को नहीं कहा कि आप स्वागत के लिए आए, मैंने कहा ये यात्रा चलेगी, भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ यात्रा आज से स्टार्ट होगी, उस यात्रा को का स्वागत करने के लिए जहां लदरौर में निहारी में भोटा में जगह जगह लोग खड़े हैं, अभी नदौर में खड़े हैं, वो लोगों का हम धन्यवाद करते हैं, हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, तो इस यात्रा को समर्थन दे रहे हैं, भारी समर्थन मिल रहा है, हम उनके धन्यवादी हैं, और मैंने वैसे किसी को ये नहीं कहा कि आप और यात्रा का स्वागत जन समर्थन यात्रा है।